गेंद, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में है, डीप लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए जरूर गेंद को फील्ड करना चाह रहे थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और यहां पर रनों के लिए लगी है दौड़ विकेटों के बीच में। कुल मिलाकर दौड़ लगी थी रनों की और रन कंप्लीट किए। तीन रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, नो डाउट, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को फील्ड किया था, लेकिन तीन रन ये अच्छी शुरुआत मानी जाएगी कि पहली गेंद पर ही इस वक्त तीन रन चुरा लिए। नेक्स्ट बॉल मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, व्हाट अ कैच, ओ कैच ऑफ द नाइट, क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है नीनाथ पवार ने, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द नाइट, हवा में लहराते हुए इस कैच को बनाया है। एक्शन रिप्ले में हम जरूर देखेंगे इस कैच को, यादगार कैच रहेगा, शानदार कैच रहेगा। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद था, बल्ले को स्विंग किया था और यहां पर देखिए, ओहो व्हाट अ एफर्ट। कहते हैं ना टीम के लिए आपको तीन चीजों का योगदान देना बहुत जरूरी होता है, तन मन और धन। अगर ये तीनों चीज का आपने योगदान दिया तो फिर आपकी जीत तय है। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट देखिए, फील्डिंग एफर्ट देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। और इस वक्त रात, आधी रात हो चुकी है और आधी रात में इस वक्त ये खिलाड़ी जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं। नजीमुल्ला ट्रॉफी कल के दिन ग्रामीण क्षेत्र की टीमें परफॉर्मेंस करेंगी, एक गांव एक संघ के माध्यम से ओन टीम कलवा मुमरा। इस बार देखिए ऑन द राइज खेला था, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, दो रन के लिए दौड़ लगी है और दो रन यहां पर दौड़ कर बखूबी पूरे किए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के माध्यम से, नो डाउट बल्लेबाज स्ट्रोक विद द रन यहां पर निकल रहे हैं, उन्हें पता है कि रन अब यहां पर बनाने बहुत जरूरी है। हर ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ते हैं, लगभग 40 प्लस रन करते हैं तो फिर यहां पर एक फाइटिंग स्कोर इस वक्त माना जाएगा। अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक करने की कोशिश की थी, बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को अंजाम देना चाह रहे थे, फॉलो थ्रू में गेंद को पैरों से रोकने की कोशिश थी, लेकिन चलिए एक रन के लिए निकले और एक रन की सफलता जरूर मिलती हुई। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर। पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, बिल्कुल सर को पूरी तरीके से झुकाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद शरीर से ही जा टकराई और यहां पर लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। गेंदबाजी की कमान पर है इस वक्त गेंदबाज सोहम और बल्लेबाजी पर हम देख सकते हैं दिग्विजय और कुणाल की जोड़ी। स्ट्राइक पर है दिग्विजय, इस बार ये सीधे बल्ले से खेला है, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ चार रन के लिए। प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट, बैट और बल्ले की जब मुलाकात हुई, बैट से स्वीट सॉन्ग साउंड निकला और गेंद इस वक्त कन्वर्ट हुई है चार रन के लिए। बिल्कुल इस वक्त रनों की रन संख्या में नजर डालते हैं, एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 11 रन। पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया था एक्विरा पैकर्स टीम ने और उनके पहले ओवर के गेंदबाज जो थे सोहम, उन्होंने 11 रन खर्च किए हैं और एक विकेट जरूर उनके हिस्से में आया है। अब गेंदबाजी की कमान पर आए हैं नए गेंदबाज अंश, हाँ लेट्स
अंदर है। हेलो चेक, हेलो चेक चेक, हेलो ये तो क्या क्लियर आवाज। हैं इस टीम के विवेक, अगर ये बल्लेबाज चल गए तो टीम की बल्ले बल्ले तय है। अब देखना यह है कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे विवेक। पहले तो विवेक को अपना अकाउंट ओपन करना है। ठंडी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती हुई और बिल्कुल ठंडी में अब गर्मी का एहसास यहाँ पर विवेक को कराना है बड़े हिटों के साथ। पहली गेंद शरीर पर डाली गई गेंद थी, अंपायर से सवाल जरूर पूछा था। गेंद में गति बहुत ज़्यादा थी, उछाल को अंपायर ने जज किया, उसके बाद अपना निर्णय यहाँ पर ज़रूर दिया कि ये गेंद पर एक रन मिलेगा है ज़रूर और गेंद रहेगी एक लेग बाइस के रूप में। नेक्स्ट बॉल वेरिएशन किया था, थोड़ी सी लेग ब्रेक गेंद की थी, टैप स्ट्रोक खेला था डीप काउ कॉर्नर रीजन में। एक रन यहाँ पर मुकम्मल किया गया है और एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं। सिंगल डबल के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 2 आंकड़ों में 13 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है, गेंदबाज अंश आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। अंश की 4 गेंदें हो चुकी हैं, 2 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट जरूर हासिल किया है। यह अच्छी गेंद थी, ऑन द राइज खेला, कारपेट के सहारे गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ और यहाँ पर 2 रन। क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है। ये जो बल्लेबाज हैं बिल्कुल बल्लेबाजी पर उतरने से पहले इन्होंने अपने चेहरे पे पानी मारा है, जो थकावट थी उसे दूर किया और उसके बाद ये उतरे बल्लेबाजी के क्रमांक पर। और इस वक्त नो डाउट बहुत अच्छी बल्लेबाजी इनके माध्यम से ज़रूर देखने मिलती हुई। अगली गेंद, ओ हो, ये अच्छी गेंद, डॉट डिलीवरी, इस डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद दर्शाता हुआ स्कोर 15 रन, यानी 15 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद, 15 रन 2 विकेट का नुकसान हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति हुई है, अभी भी 2 ओवर आना शेष है। अब बची हुई 2 ओवर में कितने रन बनेंगे, अगर यहां से एक अंदाजन अनुमान अगर आप लगा ले कि कम से कम 20 से 22 या फिर 25 रन एक फाइटिंग स्कोर बन जाएगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर का इफेक्ट ग्राउंड के ऊपर दिख रहा है, गेंद ट्रैवल ज़्यादा नहीं कर पा रही है, ड्यू फैक्टर के कारण बड़े हिट नहीं लग रहे हैं। अब यहाँ पर जो रनों को बनाना है वो सिंगल डबल या कारपेट के सहारे से ही बनाना है। अब तक के देखिए 2 ओवर का खेल हुआ है और 2 ओवर में अब तक के सिर्फ एक चौका जड़ा गया है। बिल्कुल इस तरीके से कैलकुलेट कर कर ही आपको अब क्रिकेट खेलना होगा। अब देखना ये कैलकुलेशन क्रिकेट के मुताबिक किस तरीके की इस वक्त बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि एक रन के लिए निकले डायरेक्ट हिट, ओ हाथ लगा है या फिर डायरेक्ट हिट, यहाँ पर हाथ लगा था गेंदबाज, देखिए चुपचाप चले गए अपने बॉलिंग ट्रैक पर। उन्हें पता है कि गलती हुई है मुझसे, अगर ये गलती नहीं होती, देखिए बॉल को रिसीव करने से पहले बेल्स गिरती हुई उनके हाथों से, और यहाँ पर अपनी गलती को स्वीकारा है और फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं गेंदबाज नितिन। नितिन की ये गेंद हल्के हाथों से महज कलाइयों के सहारे मोड़ा था गेंद को, स्क्वायर लेग अंपायर की बिल्कुल बगल में ही गेंद को फील किया गया और 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल रन। सामना करने के लिए तैयार होते हुए दिग्विजय, दिग्विजय ने बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, गलती कर बैठे और ये बेहतरीन कैच दिग्विजय की इनिंग की हुई है समाप्ति। मैंने पहले ही कहा था कि ड्यू फैक्टर के वजह से आप अगर बल्ले का फेस ओपन करते हो तो खाली क्षेत्र में ही ओपन करिए, नहीं तो फिर घटना इस तरीके की घटेगी। टाइमिंग नो डाउट बहुत बढ़िया था, प्लेसमेंट भी बढ़िया था,
लेकिन यहां पर ड्यू फैक्टर के कारण ये स्ट्रोक कन्वर्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है और इस वक्त ये विकेट का हुआ है पतंग। जैसे जैसे रात गहरी होती जाएगी वैसे वैसे रन कम देखने मिलेंगे क्योंकि हवाएं भी रुकी हुई हैं और बिल्कुल रनों को बनाना थोड़ा सा यहां पर जरूर परेशान करता हुआ। लेकिन अगर आपने प्रॉपर टाइमिंग कर ली, प्रॉपर प्लेसमेंट कर लिया, तो ये विकेट आपके लिए सोने पे सुहागा साबित हो सकती है, नो डाउट। इस बार देखिए गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, सिंगल रन कंप्लीट किया है, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, फंबल हुए थे वहां पर, खेला डीप एक्स्ट्रा कवर जोन में और दो रन यहां पर लेकर दोनों ही बल्लेबाज यहां संतुष्ट होते हुए। इस दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पथ पर है, गेंदे हो चुकी हैं लगभग चार, दो गेंदे अभी भी आना शेष है, दो गेंदे अभी भी आना बाकी हैं। नितिन की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस बनाकर खेला था, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। दिग्विजय के आउट होने के बाद जो बल्लेबाज आए हैं मयूरेश, मयूरेश के ऊपर भरोसा देता है कि जाइए मयूरेश आप भी कुछ रन जोड़िए, और मयूरेश ने यहां पर दो रन के साथ अपना अकाउंट जरूर ओपन किया। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी, गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए और लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर बैठे, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। एक्स्ट्रा रन में ये एक रन जुड़ता हुआ, रनों की रन संख्या में थोड़ा सा फेरबदल होता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 21 रन। नेक्स्ट बॉल, इस बार ये बड़ा हिट, बड़ा हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में है, डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे, कैच लपका है सोम में, विकेट का हुआ है पतंग, आउट होने वाले खिलाड़ी विवेक इस वक्त पवेलियन की राह लौटते हुए। लास्ट ओवर का खेल इस वक्त शुरू होता हुआ, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, यस वाइट बॉल, वाइट बॉल, यस वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आया है, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप ये गेंद थी, अंपायर ने जरूर यहां पर इस गेंद को वाइड घोषित किया है। संदेश, संदेश अपने बॉलिंग ट्रैक पर हैं, पहली गेंद वाइड के रूप में की है और आशा भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा है, दबाव बनाने की भी कोशिश की थी लेकिन अंपायर पे कोई कुछ खासा दबाव नहीं बना पाए और अंपायर ने इस गेंद को वाइड को करार दिया था। और यहां पर कैच का मौका बन सकता था, बहुत बढ़िया एफर्ट किया शॉट मिड विकेट 38 सर्कल के खिलाड़ी ने और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दौड़कर रन किए हैं इस वक्त तक दो रन। इस दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर, स्कोरबोर्ड पर स्कोर 24 रनों पर दर्शाता हुआ। संदेश की अगली गेंद, ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर रही, फिर से एक बार अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, यानी अतिरिक्त रनों में एक्स्ट्रा रन्स, एक्स्ट्रा हमेशा भारी पड़ते हैं और
इस वक्त ये एक्स्ट्रा गेंद जरूर गिरती हुई। इस एक्स्ट्रा के साथ बदलाव जरूर हुआ है, स्कोर 25 रनों पर कन्वर्ट होता हुआ 25 रन स्कोर कार्ड पर। इस बार ये बिग हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में है और यहां पर रनों के लिए निकले हैं, बिल्कुल रन कंप्लीट किए हैं। यस, तीसरे अंपायर की तरफ डिसीजन गया है, थर्ड अंपायर की तरफ ये डिसीजन को भेजा गया है। अब देखना ये है कि तीसरे अंपायर का क्या इशारा होता है। जैसे तीसरे अंपायर का डिसीजन आया है, 6 रन और रनों की संख्या में बढ़त। इस बार देखिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 2 रन के लिए निकले हैं जरूर और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 33 रनों पर, 33 रन स्कोर कार्ड पर। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार ये स्ट्रोक हवा में है, नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई, गेंद ने जरूर काटा बदला था लेकिन 2 रन यहां पर दौड़ कर पूरे किए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। कल से एक गांव एक संघ, कलवा मुमरा ये मैचेस ऑन होंगे, उन एक गांव एक संघ के साथ साथ वार्ड की टीमें भी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएंगी। 40 टीमों का ये कल से हाफ होगा ऑन, जिसमें काफी नामी गिरामी टीमें परफॉर्मेंस करती हुई आपको नजर आएंगी, नो डाउट। वाकलेन हो, गोरसाई हो, वन साइड वर्थक नगर हो, फिर मुंबई की बड़ी बड़ी टीमें हो, उसी तरीके से काफी नामी गिरामी टीमें, भिवंडी से बिलोंग करने वाली टीमें, डोंबिवली से बिलोंग करने वाली टीमें आपको देखने मिलेगी। इस वक्त रनआउट के रूप में विकेट का हुआ है पतंग, बिल्कुल एक सेट बैट्समैन आउट होकर पवेलियन की इस वक्त लौटते हुए नजर आए और रनों की रन संख्या इस रनआउट के रूप में भी रनों को जोड़ा और
36 देख सकते हैं किस तरीके से रनआउट की घटना ये घटी थी। गेंद को खेला था एक्स्ट्रा कवर रीजन में, सिंगल रन कंप्लीट किया था, दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे थे और यहाँ पर ये खूबसूरत सा रन आउट। विकेट का हुआ है पतंग। आउट होने वाले खिलाड़ी मयूरेश, अच्छी बल्लेबाजी की, एक सिक्स इन्होंने ही जड़ा, एक ही सिक्स आया है और मयूरेश के ही बल्ले से आया है। अब उनकी कमी पूरी करने के लिए भेजा गया है अक्षय को। अक्षय आए हैं न्यू बैटर के रूप में और अक्षय लास्ट बॉल ही फेस करेंगे इस इनिंग की। स्कोर 36 रनों पर दर्शाता हुआ। ये बहुत अच्छी गेंद थी, पैरों पे डाली गई गेंद थी, गेंद को खेला है स्क्वायर लेग रीजन में, दो रन के लिए निकले हैं और यहाँ पर ये दो रन कंप्लीट। इस दो रन के साथ स्कोर है 38 रन पर और टारगेट रखा गया है 39 रनों का, टारगेट है 39 रनों का। चलिए टॉस के लिए आमंत्रित करेंगे दोनों ही टीम कैप्टन्स को, जहां पर हम टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। रिजवान मुल्ला स्टार्स वर्सेस आरसी स्टैलियंस, नेक्स्ट मैच का टॉस हम करेंगे आरसी स्टैलियंस वर्सेस रिजवान मुल्ला स्टार्स के बीच।
वेरी फर्स्ट बॉल 4 रन, 4 रन के साथ अपना अकाउंट खोला है टीम का। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का आगाज किया है, बल्लेबाजी की कमान पर है सोहम पवार और उनका साथ देते हुए प्रतीक सोहम। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, गेंद जाती हुई डीप, एक्स्ट्रा कवर, 4 रन, क्या बात है, बैक टू बैक 4-4-4। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर इन्होंने अपने इरादे दर्शा दिए। सोहम पवार पावरफुल स्ट्रोक, क्लासिकल ड्राइव है और थ्रो देखिए थोड़ा सा लेजी थ्रो आता हुआ और 1 रन कंप्लीट। अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है, खराब गेंद का समाचार भरपूर लेना और अच्छी गेंदों का सम्मान करना। लक्ष्य रखा गया है 39 रनों का, ऐसा लग रहा था कि ये 39 रन साई सेवक टीम ने बहुत ज़्यादा बना लिए हैं, लेकिन अब एकवीरा के जो ओपनर बैटर्स है पवार, उन्होंने सोहम पवार उन्होंने ये चीज़ को प्रूव किया है कि जब तक कि मैं खड़ा हूँ ये टारगेट छोटा रहेगा। नेक्स्ट बॉल, गति पर कंट्रोल नहीं, लेग स्टंप के बाहर रही है गेंद, अंपायर का इशारा था हुआ वाइड बॉल, इस वाइड के साथ स्कोर 2 आंकड़ों में कन्वर्ट होता हुआ 10 रन। सोहम और प्रतीक की जोड़ी है विकेटों के बीच, प्रतीक को मिला है मौका गेंदबाजी को फेस करने का, गेंदबाज पंकज की अगली गेंद, इस बार देखिए पॉइंट पर खेला गया स्ट्रोक, बिल्कुल अपने आप को झोंक दिया था इस कैच को बनाने के लिए, लेकिन सही तरीके से प्रॉपर तरीके से इस कैच को पकड़ नहीं पाए और यहां पर 1 रन के साथ प्रतीक ने स्ट्राइक को रोटेट किया और सोहम पवार को दिया है मौका। सोहम पंकज की अगली गेंद को फेस करेंगे, इस बार देखिए ओहो ये फुल टॉस बॉल थी और फुल टॉस बॉल को मिस किया है, बिल्कुल फुल टॉस बॉल मिस करना ये ज़रूर थोड़ा सा चुपता हुआ नज़र आएगा बल्लेबाज सोहम को। सोहम पवार नो डाउट एक बहुत ही अच्छे होनहार टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, इस बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, अंपायर ने इस गेंद को वाइड ज़रूर करार दिया है। स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर, पहला ओवर का खेल जारी है, उन्हें पता है 4 ओवरों का मुकाबला है, पावर प्ले में जितने ज़्यादा रन बटोरेंगे आगे चलकर मंजिल थोड़ी सी आसान बची हुई 3 ओवर में नजर आएगी। इस बार ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, गेंद हवा में है और ये बेहतरीन कैच, विकेट का हुआ है पतंग, ये बड़ी मछली जाल में फंसी है। सोहम पवार आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए,
ने ओवर की शुरुआत होने जा रही है और नई ओवर की शुरुआत में गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज विवेक ने। विवेक अपने बॉलिंग मार्क पर सज्ज होते हुए पहली गेंद उन्होंने की है डॉट के रूप में। स्ट्राइक पर है प्रतीक और इस बार ये गेंद हवा में है, कैच का मौका बन सकता था, कैच हुई है ड्रॉप और यहां देखिए रन आउट के रूप में विकेट का हुआ है पतंग। ये बड़ा झटका लगा है, प्रतीक आउट होकर पवेलियन की लौटते हुए। जब आपको जीवन दान मिला हो तो उसके बाद आपको जरूर यहां पर ध्यान देना होता है। कहते हैं ना कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक कर पीता है। यहाँ पर आपको ज़रूर वो चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था कि अगर आपकी कैच छूटी है तो रनआउट में आपको विकेट नहीं ज़ाया करना है, क्योंकि आप एक होनहार बल्लेबाज है, आपके पास काबिलियत है बड़े हिट लगाने की और आपने यहाँ पर वही गलती की कि रनआउट के लिए निकल पड़े। कॉल भी दिया था आपके साथी बल्लेबाज अमूल ने कि सिंगल रन से प्रतीक शांत हो जाते हैं, लेकिन प्रतीक निकल पड़े और उनका रिवर्स गेंद नहीं लगा, उस कारण विकेट का हुआ है पतंग। प्रतीक की कमी पूरी करने के लिए न्यू बैटर आए हैं इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर नितिन। अमूल और नितिन की जोड़ी विकेटों के बीच नजर आती हुई। विवेक नो डाउट एक अच्छे गेंदबाज उभर कर आए हैं आज के दिन में, आज की शाम में, और अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार, इस बार महज दिशा देने की कोशिश की गेंद को स्क्वायर लेग पर और एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं। सिंगल के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त 14 रनों पर दर्शाता हुआ। दूसरे ओवर का अभी भी खेल जारी है, जीत के लिए लक्ष्य 39 रनों का रखा गया है। विवेक गेंदबाजी की कमान पर हैं, सोहम और प्रतीक ओपनर बैटर आउट हो चुके हैं, अब कमान संभाली है अमूल और नितिन ने। इस बार ये गेंद पर एक रन के लिए निकले हैं जरूर, सिंगल रन। लगभग के रूप में नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार विवेक। ओ ये अच्छी गेंद थी, ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद लेग कटर होती हुई कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। इस डॉट डिलीवरी के साथ विवेक एक सफल ओवर की तरफ आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाते हुए। स्कोर है इस वक्त दर्शाता हुआ 15 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है, अभी भी जीत से कुछ ज़्यादा नहीं, मान लीजिए आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 70% दूर टीम नज़र आती हुई टारगेट से इस वक्त एकवीरा पैकर्स। गेंद को दिशा दी है, गेंद को फील्ड किया गया है, रन आउट का बन सकता है मौका, लेकिन चलिए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन यहां पर पूरे किए, ओवर की हुई है समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 17 रन। अब बची हुई गेंदें हैं इससे में 12, गेंदे और 22 रन, 11 रन प्रति ओवर के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 12 गेंदों में 22 रन की ज़रूरत है इस वक्त टीम एकवीरा पैकर्स को। क्या एकवीरा पैकर ये 12-22 का मैच अपने पक्ष में कर पाएगी या फिर साई सेवक टीम अगले दौर में पहुंच जाएगी।
अगली गेंद। ओहो क्या बात है, कुणाल अपनी गेंद से सरप्राइज देते हुए इस वक्त बल्लेबाज नितिन को। नेक्स्ट बॉल, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, लेकिन चलिए सेफ लैंडिंग करती हुई गेंद सिंगल रन, एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल रन, एक रन, नौ गेंदों में 20 रन की जरूरत। ओहो हो, रात के वक्त ये गेंद कहती हुई जागते रहो, और ये डॉट डिलीवरी, 8 गेंदे 20 रन। अब यहां से मैच अगर आपको बनाना है तो आपको बढ़ चढ़ कर बड़े हिट लगाने होंगे। इस वक्त नितिन स्ट्राइक पर है, नितिन के पास स्ट्राइक रखी गई है। नेक्स्ट बॉल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, ये रहेगी दिशा से बाहर की तरफ गेंद, यानी दिशाहीन गेंद, और एक रन मिलेगा। 8 गेंदे 19 रन। इस बार ये बिग हिट, बिग हिट, बिग हिट, गेंद हवा में है और ये कैच हुआ है ड्रॉप। ओहो हो, ये जीवनदान मिला है, 2 रन के लिए निकले हैं और 2 रन कंप्लीट किया है। ये कैच छूटा है या फिर मैच छूटा है, क्योंकि 7 गेंदे 17 रन। सात गेंदे 17 रन। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर कुणाल, और ये कुणाल की गेंद मैच में थोड़ा सा रंग भरती हुई, 7 गेंदे और 16 रन, 7 गेंदे 16 रन, 7 गेंदे 16 रन। मैच किस रुक जाएगा, एकविरा या साई सेवक। नेक्स्ट बॉल और ये डॉट डिलीवरी, ओवर हुआ है समाप्त, 6 गेंदे बची हैं, जीत के लिए 16 रनों की जरूरत। एक तरफ है साई सेवक तो दूसरी तरफ है एक वीरा पैकर्स, ये दोनों ही भक्त हैं, एक वीरा पैकर्स के ये भक्त और साई सेवक यानी साई के ये भक्त के बीच चलता हुआ ये मुकाबला।
छह गेंदे और 16 रन, कौन जीतेगा, कौन पहुंचेगा अगले दौर में और कौन सी टीम जीत का जश्न मनाएगी इस मैच में। साई सेवक वर्सेस एकवीरा पैकर्स, सिचुएशन 6 बॉल 16 रन, 6 गेंदों में पूरे के पूरे 16 बनाने हैं। इस प्रतियोगिता का जो नियम है कंपलसरी चेजिंग है, और कंपलसरी चेजिंग आंकड़ा जब भी आपके सामने हो तो वो पूरे आंकड़े तक के आपको पहुंचना है और हक की जीत अपने पक्ष में करनी है। लास्ट ओवर लेकर आए हैं, गेंदबाजी की कमान पर मयूरेश को लाया गया है, स्ट्राइक पर है इस वक्त अमूल। पहली गेंद बल्ले को स्विंग किया था बिल्कुल स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद हवा में थी लेकिन 1 रन। अब आए हैं नितिन, नितिन आए हैं इस वक्त जरूर बल्लेबाजी की कमान पर। अब नितिन पर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, नितिन पर अब बल्लेबाजी का जुनून होना जरूरी है। नितिन ने अगर यहाँ से ठान लिया कि ये 5 गेंदों में 15 करने हैं तो वो कर सकते हैं, उनके पास 360 डिग्री में खेलने का अनुभव भरपूर है। इस बार ये सफल हुए थे, गेंद को जरूर छेड़ना चाह रहे थे और गेंद रही इस वक्त वाइड बॉल के रूप में। बिल्कुल इस वक्त ओ हो डॉट डिलीवरी। कल से जब एक गांव एक संघ के मैचेस ऑन होंगे, तमाम जो दर्शक हैं उन्हें ये कन्फ्यूजन है कि स्टेडियम में आना है तो क्या कुछ एंट्री होगी, ये बहुत से लोगों की राय है, पूछते हैं सवाल। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आइए स्टेडियम में, मैच बैठकर देखिए और मैच का भरपूर आनंद लीजिए। 1 नंबर गेट से आना है, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत पवेलियन बनाया गया है, उसमें आप बैठिए, अपनी टीम का सपोर्ट करिए, अपनी टीम का सहयोग करिए और इस मैच को आप इंजॉय करिए। लेकिन आपको 1 नंबर गेट से आना है और 1 नंबर गेट से आपको प्रवेश करना है जहाँ पर ऑडियंस के लिए बखूबी इंतज़ाम किए गए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, बेहतरीन स्टॉल्स हैं, वहाँ पर आप स्नैक्स वगैरह का भी आनंद ले सकते हैं। विराजमान होकर इस ग्राउंड पर बैठकर अपने मन चाहे खिलाड़ी को जी भरकर देख सकते हैं, उनके टैलेंट को देख सकते हैं, उनके गेम को देख सकते हैं। और एक खूबसूरत सी बड़ी स्क्रीन लगी है, उस स्क्रीन का भी आप मैच में एक्शन रिप्ले हमारी टेनिस क्रिकेट डॉट इन जो वेबसाइट है, यूट्यूब की वेबसाइट, हमारे जो मीडिया पार्टनर हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा आपको छायाचित्र एक्शन रिप्ले में भी वो ज़रूर दिखाएंगे। तो यस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इस प्रतियोगिता पर रहे, यही आपसे कामना रहेगी। फिर से एक बार ये डॉट डिलीवरी। अब 2 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 14 रनों की ज़रूरत, 2 गेंदें 14 रन। इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए कल के मैचेस लगभग 5 बजे के आसपास से ऑन हो जाएंगे, ग्रामीण के मैचेस, एक गांव एक संघ के मैचेस और कल व मुमरा के मैचेस। चलिए अब 1 गेंद और 13 रन, 1 बॉल 13 रन।
मैच की समाप्ति होने पर है। इस मैच का रिजल्ट पूरी तरीके से साई सेवक टीम के पक्ष में अब तक के नजर आ रहा है और इस स्ट्रोक के साथ मैच की जरूर समाप्ति हुई है। इस मैच को जीत लिया है साई सेवक टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशन साई सेवक टीम, ये मुकाबला अपने नाम करती हुई है टीम। अब अगला मुकाबला आज की शाम का, आज की रात का जरूरी आखिरी मुकाबला होगा, रिजवान मुल्ला स्टार्स वर्सेस आरसी स्टाइलेंस के बीच खिलाया जाएगा। और टॉस की प्रक्रिया हो चुकी है, टॉस जीतकर रिजवान मुल्ला स्टार्स ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है ज़रूर। तो दोस्तों मैं शहजाद शेख आप लोगों से इजाज़त लेता हुआ, मेरे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में बंटी देसाई जी, जब तक वो आते हैं ज्वाइंट होते हैं, मैं शहजाद शेख आप लोगों से इजाज़त लेता हुआ, कल फिर मुलाकात होगी आशा और उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट। थैंक यू।